अंबेडकर कायम है, डॉक्टर अंबेडकर ने कहीं करियो, डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ नहीं करो, अरे हमने तो पढ़ाई लिखाई करी और हमारी पढ़ाई से हम आगे बढ़े। तो मुझे बताओ आप, था दादाजी नौकरी क्यों नहीं करता था दादाजी नौकरी क्यों नहीं करता था? हेलो, तेरे तीसरी पीढ़ी पांचवी पीढ़ी गुलाम क्यों थी? इसलिए सज्जनों, जो कुछ दिया आपको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है, ये भजन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि बाबा अंबेडकर ने हमें क्या नहीं दिया रे, बाबा अंबेडकर ने हमें क्या नहीं दिया रे, हमको अमृत दिया खुद ने जहर पिया रे, हमको अमृत दिया खुद ने जहर पिया रे। मोदी को कहना पड़ा, ये मैंने 15 साल पहले ये गीत लिखा था, आज मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री को ये बात कहनी पड़ी कि बाबा अंबेडकर ने हमें क्या नहीं दिया रे, हमको अमृत दिया खुद ने जहर पिया रे, हमको अमृत दिया खुद ने जहर पिया रे। कानून बनाया ऐसा छुआछूत मिटाई रे, कानून बनाया ऐसा छुआछूत मिटाई रे, दे देकर आरक्षण हमें नौकरी दिलवाई रे, हॉस्टल खुलवाए देखो नहीं कुछ लिया रे, बाबा अंबेडकर ने हमें क्या नहीं दिया रे, हमको अमृत दिया ने जहर पिया रे। कुछ गमचा तो असहाय के हॉस्टल में पढ़िया और मास्टर बन गया, पटवारी बन गया, भी कहते अंबेडकर खराब है और आरक्षण खराब है, अब दादाजी ठीक है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से नेता बना, नेती बना, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से चपरासी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक बना। और जब उससे पूछते हैं कि नौकरी किसने लगाई, ये गाड़ी कहाँ से आई, ये बंगला कहाँ से आया, सब साईं महाराज की कृपा है, शनि महाराज की कृपा है, हनुमान जी कृपा है, 33 करोड़ देवता कर रहा है, वैष्णो देवी की कृपा है। क्यों रे गमचा, इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पहले भी 33 करोड़ देवता थे, पहले भी हनुमान जी था, शंकर जी था, विष्णु जी था, सब जी था, किसी ने एक भी स्कूल खोला हो, एक भी स्कूल खोला हो तो सबसे पहले गर्दन मेरी काटना। किसी देवता ने आपके लिए एक स्कूल खोला हो, किसी देवता ने आरक्षण की लड़ाई लड़ी हो, किसी देवी ने अछूत का विरोध किया हो, तो मुझे सबसे पहले फांसी लगाना कि ये सत्यानंद महाराज गलत बोल रहा है, इसको फांसी पे चढ़ा दो। मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ, इस बात की सीबीआई जांच करवाई जाए कि कौन सा देवता हुआ, कौन सी देवी हुई, कौन सा अवतार हुआ जिसने दलितों की लड़ाई लड़ी, जिसने पिछड़ों की लड़ाई लड़ी, जिसने नारियों की लड़ाई लड़ी, जिसने ओबीसी गुर्जर सोनिया गांधी यादव की लड़ाई लड़ी। सज्जनों, जिन देवी देवताओं में हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं, जिन वैष्णव देवी में नाच नाच के हम बुराड़े हो रहे हैं, जिस गणेश जी और शंकर जी में, जिस पार्वती जी में, जिस देवी में हम नौ दिन तक नाचा, लेकिन जब ऐसा कार्यक्रम होता है तो 100 रुपये हमारे जेब से नहीं आता है, 500 रुपये हमारे जेब से नहीं आता है। आपको पता होना चाहिए, ये आंदोलन चलाना है तो पैसा देना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, क्या कहा था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, सज्जनों, अपनी आय का 5% निकालो, संविधान की रक्षा, आरक्षण की रक्षा के लिए आपको 5% निकालना पड़ेगा, इस देश के शासनकर्ता जमात बनने के लिए 5% निकालना पड़ेगा। मोहम्मद साहब अपने प्रवचन में कहते हैं 2.5% निकालो, और गुरु गोविंद सिंह कहते हैं 10% निकालो, और मैं कहता हूं सत्यानंद महाराज केवल 1% मेरी मदद कर दी तो पूरे भारत में क्रांति हो जाएगी, एक सामाजिक धार्मिक राजनीतिक सांस्कृतिक क्रांति करने का पूरा मेरे पास प्राण है, आपके साथ की जरूरत है। आज जनमत का तंत्र है, आज जनमत का युग है, जिसके पास जितनी ज्यादा संख्या होगी वो उतना ही ज्यादा आगे बढ़ेगा, मीडिया उसकी बात सुनेगा। और मेरे भाइयों, मीडिया के भाइयों, आप मीडिया में घुसो, हे दलित भाइयों, आदिवासी भाइयों, पिछड़े भाइयों, आप जब तक मीडिया में नहीं घुसोगे आपकी बात नहीं बताई जाएगी, हजारों लोग इकट्ठे होंगे, लाखों लोग, मैं देख रहे हैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ, कभी बंबई जाना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जहां परिणाम भूमि है, 6 दिसंबर लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, मैं अपनी आंख से देख के आया दशहरे के दिन नागपुर पर लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। इस देश का मीडिया जो ब्राह्मणों के द्वारा, क्षत्रियों के द्वारा, वैश्य के द्वारा नियंत्रित है, वो आपकी खबर नहीं बताएगा, बताएगा तो मजबूरी में बताएगा, तोड़ मरोड़ के बताएगा, लेकिन गणेश जी को 15 दिन 9 दिन 8 दिन बताएगा। हेलो, जिनको कोई इतिहास ही नहीं है कि गणेश जी कौन सी तारीख को पैदा हुए थे, जिसका इतिहास नहीं है उसको 15 दिन महीनों भर बताया जाएगा, जिनका इतिहास है उनको नहीं बताया जाएगा। विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, गौर कीजिए, कश्मीर में ब्राह्मण मर रहा है, इसको तो तुम बता रहे हो कि कश्मीर में हिंदुओं के गणा मार दिया, अरे कश्मीर में तुम्हें मार रहा है और हमें तो तुम ही मार रहे हो ना, वहां तो आतंकवादी मार रहे हो, क्या तुम भी आतंकवादी हो? हेलो, आज कहते हैं मुसलमान आतंकवादी है, लेकिन जो हमारी बारात रोक रहा है क्या वो आतंकवादी नहीं है? जो मंदिर में हमें आने से रोक रहा है क्या वो आतंकवादी नहीं है? जो होटल में आने से रोक रहा है क्या वो आतंकवादी नहीं है? जो संविधान का विरोध कर रहा है, आरक्षण का विरोध कर रहा है, क्या वो आतंकवादी नहीं है? गुरु महाराज।
इसलिए लिखा सज्जनों कि अफसर भी बनवाया हमें, नेता भी बनवाया रे, लोन भी दिलवाया हमें, फोन भी दिलवाया रे, अफसर भी बनवाया हमें, नेता भी बनवाया रे, शोषित पीड़ित मानवता के लिए वो जिया रे, बाबा अम्बेडकर ने हमें क्या नहीं दिया रे, बाबा अम्बेडकर ने हमें क्या नहीं दिया रे, पोंगा पंथी पोथियों से मुक्ति दिलाई रे। बाबा साहब जगह जगह प्रवचन में कहते थे मूर्ति पूजा करने से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, हाथ में तागा बांधने से, चोटी बनाने से, मुसलमान को दुश्मन मानने से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। तुम्हारा उद्धार कहाँ है? तुम्हारा उद्धार शासन प्रशासन में जाने से, डॉक्टर इंजीनियर वकील मजिस्ट्रेट प्रोफेसर बनने से है। तुम्हारा उद्धार शासन शासनकर्ता जमात बनने से है। इसलिए मेरे भाइयों, मंदिर में अपनी ताकत मत लगाओ। आज हमारे समाज को बेवकूफ बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि इतना मंदिर तोड़ दिया गया, इतना मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी गई, तो हम कहीं करा तबार देवता कहीं कर दिया था। हेलो, वो ठाकुर साहब तुम्हारी पुलिस है, वहां कहीं कर रहे थे, हम कहीं करा बेचारे नाई के नाई नाई। एक बार ऐसे मैं दाढ़ी बना रहा था तो एक नाई मेरे से कहने लगा, गुरु जी मुसलमान की जनसंख्या बढ़ रही है, एक दिन तो खजा आएगा, एक दिन तो मुसलमान को राज आ जाएगा। उस समय अटल जी का राज था, तो मैंने कहा कि भैया नाई ये बता, अब अटल जी को राज है, हिंदू को राज है, फिर भी तू इस तरह चला रही हो, फिर भी तू तेल मालिश कर रही हो। अरे अगर मुसलमान को राज भी आ गयो तो नई से उस तरह छुड़वा के और उनके बूट पालिश तो करवाएगा नहीं वापस। तो नाई कुमार धोबी दर्जी धोबी तेली तंदोड़ी, ये हमारे जो भाई है, ये क्या समझते हैं? ये समझते हैं कि मुसलमान को राज हो जाएगा तो खा जाएगा। अरे मुसलमान को राज आ जाए तो भी तू नहीं रहेगो, और ब्राह्मण को राज आ जाएगा तो भी तू नहीं कुमार धोबी दर्जी तेली तंदोड़ी रहेगो। इसलिए मुसलमान के चक्कर में मत पड़ो, मुसलमान से दोस्ती करो, ईसाइयों से दोस्ती करो, पिछड़े वर्ग से दोस्ती करो, और एक हमारा 85% समाज का जब बेल्ट बनेगा तो इस देश में सज्जनों ना तो दंगे होंगे ना कोई फसाद होगा। आपको पता होना चाहिए जहां जहां ओबीसी का आदमी जागा है, जहां जहां मुसलमान भाई जागे हैं और अंबेडकर वादियों के साथ मिल गए, वह दंगे नहीं होते, वह फसाद नहीं होते हैं। मुझे बताइए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, दंगों में हमारा इस्तेमाल किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि तुम्हें आरक्षण के बारे में पता नहीं चले, तुम्हें अंबेडकर वादियों से दूर रखना है। इसलिए सज्जनों मेरा आपसे कहना है, बाबा साहब ने कहा था धर्म के चक्कर में मत पड़ो। क्या कहा था बाबा साहब ने? पोंगा पंथी पोतियों से मुक्त दिलाई रे, बुद्ध धम्म जानो मानो युक्ति बताई रे, भूल गए बात उनकी हमने क्या किया रे, बाबा अम्बेडकर ने हमें क्या नहीं दिया रे, हमको अमृत दिया खुद ने जहर पिया रे। तो लिखा सज्जनों कि वेद पुराणों से हिंदू तो कुरान से मुसलमान चलता है, वेद पुराणों से हिंदू तो कुरान से मुसलमान चलता है, मगर मेरे बाबा के संविधान से तो पूरा भारत महान चलता है, पूरा भारत महान चलता है। मोदी जी को कहना पड़ा कि ये देश गीता से नहीं चलेगा, ये कुरान से नहीं चलेगा, ये बाइबल से नहीं चलेगा, ये वेद पुराणों से नहीं चलेगा, ये भारत के संविधान से चलेगा, और भारत का संविधान ही हमारा धर्म ग्रंथ है। बहुत सारे लोग कहते हैं साहब अबे कहीं जरूरत है पुरानी बात करने की, गड़िया मुर्दा उखाड़ो तुम भी, अब तो सब समान हो गया। अच्छा सब समान हो गया? अभी रतलाम में हमारे समाज का व्यक्ति दूल्हा हेलमेट लगा करके 200 पुलिस वालों की कस्टडी में जुलूस निकाला गया, आप कह रहे हो सब समान हो गया? अभी इंदौर के पास एक गांव है, वहां दलित समाज की का सब मुर्दा अगर उनके सामान्य वर्ग के मोहल्ले से निकालने से रोका गया, पत्थरबाजी की गई, क्या सब समान हो गया? कई जगह हमारे सरपंच को कुर्सी पे नहीं बिठाया जा रहा है, वो कह रहे साहब अब तो सब समान हो, अब तो सब बदल गया, अब घड़ा मुर्दा क्यों खड़ा? अच्छा हम गड़ा मुर्दा उखाड़ लिया, और तुम 5000 साल पहले कहीं हुए तो वह बताओ तुम, तुमको के औरंगजेब ने ऐसा मारिया था, मोहम्मद गोरी ने ऐसा मारिया था, तो तुम तो गड़ा मुर्दा उखाड़ा कि नहीं? वह बात अलग मतलब हम उखाड़ा तो बुरा। तो सज्जनो मैं आपको कहना चाहता हूं अंत में, मैं 2:30 बजे अपनी बात खत्म कर दूंगा, है ना 2:30 बजे, मैं आपको कहना चाहता हूं इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक शोषक है और एक शोषित है। शोषित के गुरु कौन है, शोषित के हीरो कौन है, वो जान लो, उनके निर्देशन में चलोगे तो कल्याण होगा। शोषक को मानोगे, शोषक को अपना गुरु मानोगे, लीडर मानोगे, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, तुम्हारा कभी उद्धार नहीं होगा। शोषित के गुरु कौन है? बुद्ध, फूले साहब, अम्बेडकर, संत कबीर, रविदास, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, मार्क्स, माओ, स्टालिन, लेनिन, मुस्तफा कमाल पाशा, ये शोषित के गुरु है। इसलिए इन लोगों को आपको मानना चाहिए, जानना चाहिए, डार्विन को जानना चाहिए, इन सबको आपको जानना चाहिए, तब जाके आपका उद्धार होगा। और
शोषित शोषित की लड़ाई क्या है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। भारत की व्यवस्था कहती कि नहीं, भगवान ने ऊंची नीची पेड़ी बनाई है, सब अपनी अपनी पेड़ी पे बैठा रहो, जूता खाता रहो, जूता देता रहो, इससे अगला जन्म सुधर जाएगा। जो जिस जात में पैदा हुआ है वो पिछले जन्म का पापी है। भारत में पापी लोग रहते हैं ऐसा बताया गया है, शास्त्र ऐसा कहता है कि आप लोगों ने 84 लाख योनियों में पाप किया था। जैसे तुम नए कुमार धोबी दर्जी तेली तंबोली हो, अब ऐसा करो कि अपनी जाति का कर्म करो और अगले जन्म में तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के साथ पैदा होकर के गुलगुले खाना। इस जन्म में तो तुम्हारी रगड़ाई होगी, इस जन्म में तो तुम्हें पिछले जन्म के पापों का फल भोगना है। इसलिए सज्जनों आज योग्यता की बात करते हैं कि योग्यता का वो होना चाहिए। मैं बोलना चाहता हूं आपको, एकलव्य योग्य नहीं था क्या? हेलो, उस एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा गया? बहुत सारे पाखंडी कहते थे साहब उन्हें मूर्ति बना ली थी और मूर्ति बना के वो है गुरु दीक्षा ले रहे तो दक्षिणा में अंगूठा काटी। मुझे बताओ आप, हिरण्यधनु एकलव्य राजा का लड़का था सज्जनों, हिरण्यधनु क्या उसके पास गुरु नहीं था? अरे भील का मतलब ही होता है धनुर्धर। भील शब्द भिल्ल से बना है, ये तमिलनाडु की भाषा जो है उससे बना है। भील का मतलब धनुर्धर। ओके, किराए को गुरु की जरूरत नहीं थी, जो किराए के गुरु किराए के नेता को बाप रोगे तुम्हारा उद्धार कभी नहीं होगा। आज भारत की सरकार उस द्रोणाचार्य पाखंडी के नाम पर पुरस्कार देती है। मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि आपको अगर दलितों पिछड़े वर्गों के विषय में कुछ भी दर्द है, दया है, तो सर्वप्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार का आप लोग भी विरोध करें, जगह जगह धरना प्रदर्शन करें कि द्रोणाचार्य पुरस्कार खत्म करो और एकलव्य का पुरस्कार होना चाहिए। सज्जनों मैं आपको अंत में एक भजन सुना करके और एक छोटी सी कहानी सुना करके बात को खत्म करना चाहता हूं। मैं किसी जाति धर्म संप्रदाय के खिलाफ नहीं हूँ, किसी देवी देवता के खिलाफ नहीं हूँ, मेरा किसी ब्राह्मण से झगड़ा नहीं है। ब्राह्मण भी मेरे शिष्य है, क्षत्रिय भी शिष्य है, सभी जाति और वर्ग और संप्रदाय के मुसलमान भी मेरे शिष्य है, मुसलमान भी मुझे प्रवचन के लिए बुलाते हैं। मेरा किसी से द्वेषता फैलाना, किसी को मारना काटना या नफरत फैलाना मेरा मकसद नहीं है। हम इस देश के मूल निवासी है, 5000 साल से जूते खा रहे हैं, हमें जी लेने दो। हम इस देश के मूल निवासी है, हमें जी लेने दो, हमारा हक अधिकार है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100 में से 100 कलेक्टर हमारे बने, हमारा 52% आरक्षण है वो होना चाहिए। हमारे ओबीसी के भाई को 52% होना चाहिए, तुम 27 दे रहे हो। अरे 52 अगर तुम्हारे रिश्तेदार खाना खाने के लिए आए और 27 थाली लगाओगा तो फिर झगड़ो होगा कि नहीं होगा? हेलो, तो 27 दिया जा रहा है और कोर्ट आज एक साजिश रच जा रही, कोर्ट के माध्यम से ऐसे डिसीजन। अभी सुप्रीम कोर्ट के 2 ब्राह्मण जजों ने क्या कहा कि देश की रक्षा के लिए, देश के उत्थान के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, अरे मुझे बताइए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, हमारे देश के जो जज लोग हैं, जब तक आपका जज नहीं होगा, जब तक आपका मीडिया नहीं होगा, इसलिए वकील बनो और इतना बड़ा वकील बनो, कितना बड़ा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा महान वकील बनो। अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ। आज पाखंडी कहते हैं संस्कृत पढ़ाओ। अच्छा, जब संस्कृत पढ़वा को मौको तो पढ़वा नहीं दियो, और अबे अंग्रेजी को मौको तो संस्कृत पढ़ो, अपनी मातृभाषा, अपनी पवित्र भाषा, अपनी देव भाषा, अपनी संस्कृति बचाओ। अब मुझे बताओ, चमार वाली भील बागरी बरगुड़े नाई धोबी तेली तंबोली, इनकी रगड़ी कर करके तुमने नेठुई संस्कारहीन कर दिया, बिल्कुल गुलाम बना दिया, उनसे कहो संस्कृति की रक्षा करो। अब मुझे बताओ कि कहीं संस्कृति की रक्षा करेगा बापड़ा? भैया उनके मंदिर में नहीं आन दे, उनको खाना नहीं खान दे, बारात में नहीं आन दे, क्योंकि संस्कृति की रक्षा करो। तो सज्जनों मेरा आपसे आग्रह है, कुछ लोग भ्रम फैला रहे थे, यहां भी कुछ भ्रम फैलाया गया, और एक आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है सज्जनों। ये घोषणा नहीं की जाएगी कि आरक्षण संविधान खत्म, अंदर से सब कुछ लिपापोती हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से भी आपको सावधान होना चाहिए। आरक्षण के लिए आपको जगह जगह आंदोलन चलाना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, और यह धरना प्रदर्शन आंदोलन की बदौलत है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस, आजादी के 50 साल 60 साल 70 साल बाद भारत की सरकार मजबूर हो गई है कि बाबा को अब रोका नहीं जा सकता। लाड बुद्धा चैनल रहता है, लाड बुद्धा चैनल पर रोज कार्यक्रम आते हैं। लाड बुद्धा चैनल लगवा लो, सेटअप बॉक्स पे 476 उसपे नंबर पे आ रहा है, सेटअप बॉक्स पे रोज कैडर होंगे, रोज प्रवचन होंगे, अपना प्रवचन अपने महात्माओं को सुनो, अपनी टीवी खोलो, तब जाकर के आपका उद्धार होगा। इसलिए सज्जनों मैं अंत में एक कहानी सुनाऊंगा आपको और एक भजन सुनाऊंगा संविधान के बारे में, क्योंकि संविधान छोटी मोटी बात नहीं है। मैं जब RSS में काम करता था, कट्टर कार्य करता था, आर्य समाजी था, तो मैं भी आरक्षण का विरोधी था।
हेलो, मैं 5 दिन दिल्ली से मंगा मंगा के पढ़ता था, मैं आरक्षण विरोधी था, संविधान विरोधी था, लेकिन जब गांव में गया कि मैं कट्टर हिंदू हूं और मुझे मैंने बहुत बड़ी डिग्रियां हासिल की, 4 विषयों से मेरा एमए है, पीएचडी मेरा चल रहा है, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आस्तिक नास्तिक, सब धर्मों का डीपेस्ट अध्ययन करके मैं बाबा बनाऊं, पैसा कमाने के लिए नहीं, इस समाज से राष्ट्र को जगाने के लिए बाबा बनाऊं, बाबा बनना मेरा मकसद नहीं है, इस देश को जगाना मेरा मकसद है। इसलिए सज्जनों, जब गांव